हमला का मतलब जो आपने अंग्रेजी में समझा दिया उसने, मैं उस उम्र में अपनी माँ से ना वो अंग्रेजी जानती थी ना मैं जानता था, तो मुझे कौन समझाता कि हमल क्या होता, हमला क्या होता। तो वक्त के साथ साथ बड़े हुए तो समझ में आए। तो वो कब सुना था ये लफ्ज और किस रेफरेंस से सुना था वो याद आता, जब वो याद आता तो वो लड़की याद आती। वाह वाह, बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींच कर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाचनी मट्टी चुराई थी। अब ये गाचनी मट्टी आप समझाइए, या जिसे पोती जाती थी स्लेटे। ये दीना की बात है जहां मैं पैदा हुआ था, एक गांव, एक कस्बा पाकिस्तान में है, जिला झेलम, बहुत खूबसूरत है। अब बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींच कर मुझको मेरे बस्ते से उसने काचनी मट्टी चुराई थी, कुतर के दांत से वो मुस्कुराई थी, मेरे गालों पे पप्पी लेके बोली थी मुझे दे दे ये मिट्टी, मुझको तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। वो कोई हमला होगी मुझे माँ ने बताया था। अब वो काचनी मिट्टी कुतरती है वो औरतें जो हमला है ये बात परमानेंट ऑब्जर्वेशन हो गई। और ये नहीं कि मैं आ रहा हमला औरत के पीछे गाचनी मिट्टी है ना, वो तो मुमकिन नहीं था।